अल्लाह एवरी वन दिस इज़ मी आयशा वीर को वेलकम बैक टू तो माई चैनल लाहौर मेहंदी स्टूडियो उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो आज आई हूँ मैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पोटेंट जो इन्फॉमेसन है ना वो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इकट्ठे सबके आंसर नहीं किए जा सकते इसीलिए जो है मैं वीडियो के थ्रू जो है वो कम्प्लीट डिटेल जो है आपके थ्रू वीडियो के थ्रू आपको कम्प्लीट डिटेल जो है वो मैं बता देना चाहती हूँ आज वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आ, सिरिन से रिलेटेड इसके लिक्विड से रिलेटेड पिन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है वो मैंने शेयर की है लेकिन फिर भी काफ़ी लड़कियों को बच्चियों को अभी भी बहुत सारे जो है ना कन्फ्यूजन है बहुत सारे उनके क्वेश्चन होते हैं आ, और बस गड़बड़ कर देती हैं तो सबसे पहले तो ये कि जिनके पास ये नहीं है वो एक बार ज़रूर परचेज़ करें क्योंकि चीज़ जब पास हो ना फिर उसका आइडिया होता है यूज़ कर कर के जब आप इस एक चीज़ को यूज़ करेंगी देखने में और यूज़ करने में बहुत फ़र्क होता है देखने में आपको अगर ये चीज़ आसान लग रही है तो वो यूज़ में शायद ना हो और अगर देखने में मुश्किल लग रही है वो हो सकता है वो यूज़ करने में बहुत आसान हो तो आप लोग एक बार जो है ना वो परचेज़ करके देखें आपको पसंद आएगी और इससे मेहंदी लगाना बहुत आसान है बहुत ज़्यादा आसान है कौन मेहंदी की नस्बत तो कौन मेहंदी से तो ये होता है ना कि कौन मेहंदी से हाथ थक जाते हैं ये चीज़ जो है ना फिंगर्स की वो दर्द करने लग जाती है थम और फिंगर की बट ये जो है ये एक पेन की तरह है पेन की तरह ही पकड़ा जाता है पेन की तरह ही यूज़ होता है चलाने में भी बहुत आसानी है और सबसे बड़ी बात कि इससे बहुत बारीक मेहंदी लगती है बहुत ही अमेजिंग और बारीक मेहंदी लगती है कि जो देखने में भी हसीन लगे और लगाने वाले को भी मज़ा आए तो ये देखें जी सबसे पहले मैं आपको जो है ना पिन के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसकी कितनी पिनस होती हैं और कौन कौन सी होती हैं फिर हम चलेंगे इसके लिक्विड की तरफ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी फटाफट सब्सक्राइब कर दें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें और कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं रिप्लाई ना भी मिले तो वीडियो के थ्रू आप तक इंफॉमेशन जो है वो पहुँचा दी जाएगी इन अच्छा जी तो सबसे पहले मैं आपको पिन के बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसकी कितनी पिनस होती हैं पिन इसकी तीन तरह की होती हैं बारीक नॉर्मल सी मीडियम साइज़ की और एक मोटे वाली ठीक है मोटे साइज़ की जो नीडल होती है सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ तो जी ये देखें ये आपने गौर करना है इस पिन पे ठीक है बाकी जब मैं दिखाऊंगी उस पर भी आप गौर कीजिएगा ठीक है ये मोटे साइज़ की नीडल है जिससे मेहंदी बहुत मोटी लगती है आप इसको मेहंदी लगाने के लिए यूज़ ना करें तो बेहतर है जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये समझ लें कि बस फारिग है मतलब कि उनसे डिज़ाइन लग ही नहीं सकेगा और जो प्रोफेशनल्स हैं वो हैंडल कर लेंगे बट फिर भी ये यूज़ में इतनी नहीं आती ये ये हो सकता है कि टिप्स जब फिल करनी हो ना तो फिर ये यूज़ की जा सकती है कि जल्दी से फटाफट हो जाए ज़्यादा टाइम ना लगे तो जी उसके लिए थी ये मोटी नीडल ठीक है अब मैं आपको दिखाती हूँ मीडियम साइज़ वाली नीडल अच्छा अब आपने इस पर गौर करना है ये है मीडियम साइज़ वाली नीडल जिससे परफेक्ट मेहंदी लग लगाई जा सकती है बिगनर्स को ये दी जाती है ताकि उनका हाथ इस पर सेट हो जाए बिगनर्स को सबसे बड़ी एक नीडल सबसे पहले नहीं दे दी जाती इससे ये होता है कि उसका हाथ स्लो हो जाता है तो ये मीडियम बेहतर है बिगनर्स के लिए कि जब भी परचेज़ करें अगर आप बिगनर्स हैं अगर आप स्टार्टिंग पे हैं सीख रही हैं अभी तो मीडियम साइज़ की नीडल लें ठीक है इससे आप जितना चाहे बारीकी का डिज़ाइन भी लगा सकती हैं सिर्फ आपके हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए जब आप सीख जाएं जब आप प्रोफेशनल हो जाएं फिर आप बारीकी नीडल यूज़ करें क्योंकि तब आपको मैनेज करना आ जाएगी स्पीड बेहतर यही है कि मीडियम साइज़ की नीडल लें ताकि आपकी स्पीड जो है ना वो परफेक्ट रहे सेट रहे ठीक है जी अच्छा तो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ सबसे बारीक वाली नीडल ठीक है ये देखें ये चीज़ तीनों मैं एक साथ रख के भी दिखाऊंगी ताकि आपको जो डिफरेंस है ना वो पता चल सके ये सबसे बारीक वाली है इससे आप सिग्नेचर वर्क कर सकते हैं इससे आप जितनी चाहे बारीकी की मेहंदी लगा सकते हैं मीडियम से भी आप जितनी चाहे बारीकी की मेहंदी लगा सकते हैं लेकिन वही बात आगे गई कि आपको जो है ना अपने हाथ पर कंट्रोल रखना सीखना होगा इसके लिए आपको प्रोफेशनल मेहंदी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ठीक है तो ये है जी सबसे बारीक मेहंदी और सॉरी सबसे बारीक निडल ठीक है अब मैं तीनों एक साथ रख के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये लें जी अब आपने गौर करना है ये है सबसे मोटी वाली निडल ठीक है सेंटर में है मीडियम वाली और ये थर्ड पे है बारीक वाली देखें आपको फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा होगा ठीक है और तीनों की आप शेप चेक करें शेप कितनी परफेक्ट बनाई है और ये आपको जो है इंजेक्शन मेहंदी वालों से ही मिलेगी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं और ये चेक कर लें ठीक है तो जी नीडल से रिलेटेड जो है वो आपका जो है वो जो दिमाग में अंधेरी मची होगी ना वो क्लियर होगी होगी उम्मीद है मैं भी क्लियर हुई तो जो भी क्वेश्चन है कोई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आंसर आपको मिल जाएगा और अब चलते हैं हम इसके लिक्विड की तरफ अच्छा तो अब हम कर लेते हैं इसके लिक्विड की बात अब आपका सवाल ये होता है कि हम इसमें नॉर्मल इंजेक्शन में मेहंदी डाल के तो यूज़ कर सकते हैं तो आप खुद सोचें इसकी टिप इतनी बारीक है ये अपने आप इसमें से जो है मेहंदी कौन मेहंदी अगर हम इसमें फिल करके लगाएं तो कैसे निकलेगी थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ किया करें ठीक है तो बाकी कोई मसला नहीं है हो जाता है ऐसे लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और हम हैं ना आंसर देने के लिए अच्छा तो कौन महंदी जब तक हम प्रेस नहीं करते तब तक वो उसमें से भी नहीं निकलती और इसको प्रेस नहीं करना पड़ता ठीक है ये देखें ये प्रेस नहीं होता ये ऑटोमेटिकली इसमें से लिक्विड मेहंदी निकलती है ठीक है और आप यूज़ करते हैं कौन मेहंदी को तो दबाना पड़ता है ना इसको दबाना नहीं पड़ता तो इसके लिए ये स्पेशल लिक्विड मेहंदी रेडी की जाती है वो इसमें हम फिल करके तो यूज़ करते हैं ठीक है मेहंदी लगाने के लिए अब इस लिक्विड को तैयार करने का तरीका जो है वो मैं बता चुकी हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं अगेन दे दूँगी वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा आपको इसका प्रॉपर मेथड जो है वो समझ आ जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा इसके कलर का पता चल जाएगा और ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है तो उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और मुझे स्पोर्ट करें मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी मुझे दुआओं में याद रखें टेक केयर बाय अल्लाह हाफिज